कि आपकी क्वेरी ही ना अराइज हो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन कंप्लीट सीरीज़ के दौरान और स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी एराइज हो जाती है तो उसे आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी और कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर ट्रू और एक चीज और अकाउंट्स की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स की भी कंप्लीट सीरीज कवर अप कर रहे हैं तो इन सेशन का आप मैक्सिमम बेनिफिट लें तो ये चल रहा है हमारा चैप्टर टू और हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं कई सारे पॉइंट्स और आज जो हमारा स्टार्ट है वो है रेवेन्यू रिकोगशन कॉन्सेप्ट क्योंकि हमने ऑलरेडी डुअल एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कवर अप कर लिया था हमारे लास्ट सेशन की ओर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगेन नाम खुद बोल रहा है सब कुछ रेवेन्यू को हमें कब रिकॉग्नाइज करना है ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है और इस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है रियलाइजेशन हमें कब रियलाइज होगा कि वो जो रेवेन्यू है वो हमारे पॉकेट को फिल कर रही है तो आई बिलीव रेवेन्यू क्या होता है आपने हमारे जो ओल्ड सेशंस हैं उसमें कवर अप कर लिया होगा हर एक टर्म को हमने काफी डिटेल में कवर अप किया है थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे The concept of revenue recognition require that the revenue for a business transaction should be included in accounting record only when it is realized. yani kehna kya chahte hain ki bhai jo business ka revenue hota hai na जो हम बहुत सारे transactions करते हैं जिससे हमें revenue realized होता है तो हम इसे books of account में अपने accounting records में केवल तभी दिखाएं जब ये realized हो। Don't worry अभी हम और discuss करेंगे realization क्या होता है example के through समझेंगे। रेवेन्यू तो क्या होता है हमें ये रिकॉल करना है और रियलाइजेशन का मतलब क्या कहना चाहता है ये concept हमें ये समझना है तो चाहे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आ जाए या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आ जाए आज ये परमानेंटली अपने माइंड में सेटल होने वाला है तो अगर हम टर्म की बात करें रेवेन्यू जो फर्स्ट ईयर आता है तो इसका मतलब क्या है आपके पॉकेट में जो आपके बिजनेस में जो भी जितने भी एंड आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उससे ग्रॉस नेट की बात नहीं हो रही अभी खर्चे वर्चे बाकी है जो ग्रॉस इनफ्लो आ रहा है आपने सेल किया वो ग्रॉस इनफ्लो जो आ रहा है कैश का ठीक है सो so, रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ग्रॉस पे आपको ध्यान देना है मैं जो कोई भी वर्ड्स को ना बार बार बोल रही हूँ दैट मीन्स आपका एग्जामिनर आपको वहां पे फंसाता है

रेवेन्यू ठीक है तो एक तरीके से हम इसे फोर पॉइंट्स में माइंड में सेटल कर सकते हैं सेल करने से जो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश है और या आपका इंटरेस्ट में रॉयल्टी के फॉर्म में या डिविडेंड के फॉर्म में जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू क्लियर है अब रेवेन्यू तो क्लियर हो गया सो so ंड हम समझेंगे रेवेन्यू इज एज्यूम टू बी रियलाइज हम रियलाइजेशन के बारे में समझेंगे तो रेवेन्यू को जब आप रिकॉल करेंगे तो आप फोर पॉइंट को रिकॉल करेंगे ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड सेकेंड पॉइंट बाई फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहला आप सेकेंड uh, पॉइंट में इंटरेस्ट थर्ड पॉइंट में रॉयल्टी एंड फोर्थ पॉइंट में डिविडेंट को ऐसे रिकॉल करेंगे ठीक है रेवेन्यू को कब रियलाइज माना जाएगा जब लीगल राइट right,

दस क्रेडिट सेल ट्रीटेड एज रेवेन्यून दिल्ली ऐसा नहीं है फ्यूचर डेट में दे रहे हैं इसलिए हम इसे क्रेडिट सेल बोलते हैं लेकिन रेवेन्यू रिकोगनाइज कब करनी है हमें सेल्स कब दिखानी है हमें तभी दिखानी है जब ये रेंडर्ड हो गई सर्विस रेंडर्ड हो गई या गुड्स सोल्ड हो गए पैसे रिसीव करने का हमें वेट नहीं करना है तभी आप इविक रिकॉल करेंगे हम आगे चल के आपको पी एन एल में कनेक्ट करेंगे ठीक है ट्रेडिंग पी एन एल आपने नाम सुना होगा हम ब्रीफली उससे भी आपको कनेक्ट करेंगे तो रेवेन्यू जो हम दिखाते हैं वो अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिक्नेशन कॉन्सेप्ट चाहे क्रेडिट में सेल किया हो उसे बुक्स में हम ऐसे रेवेन्यू दिखा देते हैं चाहे पेमेंट फ्यूचर में हमें रिसीव हो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो As far as income such as rent, commission, interest, these are recognized on time basis. तो so, भाई इनके लिए तो इन्होंने specific बोल दिया कि ये सारी जो चीजें हैं, ये time basis पे होंगी। But sales जो है, वो आपकी due basis पे होगा। Rent for the month of March 17, even if received in April 17, will be taken into profit and loss account in the financial year in March 17, यानी जब due हुआ था, है ना? जब ड्यू हुआ था आपने करी थी आपका होने वाला था ठीक ठीक है है तो हमें due basis पे से show करना है. Similarly, if interest for April, April 2017 का इंटरेस्ट था इट इज रिसीव्ड इन एडवांस एडवांस में ही मिल गया मार्च 17 को ठीक है सो इट विल बी टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर मार्च 18 यानी कि जब ड्यू हो रहा है हमें तभी दिखाना है जब रियलाइज हो रहा है तभी भले हम एडवांस में रिसीव कर रहे हैं नहीं दिखाना है हम बाद में रिसीव करेंगे नहीं दिखाना है जब ड्यू हो रहा है चाहे वो सेल्स हो या हमारी रेंट हो या इंटरेस्ट हो या डिविडेंट हो हमें इसे ड्यू बेसिस पे यानी रिकोगनाइज हमें इसे कब करना है जब लीगल राइट right हमारा अराइज हो जाता है ठीक है लीगल राइट लीगल राइट इस पर आपको ध्यान देना है लीगल राइट right जो है आपका लीगल राइट टू रिसीव आपका अराइज होगा तब आपको इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एज पर रेवेन्यू रिक्शन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में आपको इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है There are some exceptions. भाई exception भी है इनका ठीक तो भाई अगर आपसे एग्जामर पूछ लेता है कि इसका कोई एक्सप्शन exceptions, exceptions, exceptions एक्सेप्शन का हमने जनरल रूल समझा ना ये इन पे लागू नहीं होगा किन पे कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्ट का काम है जहां पे काम बहुत लंबे समय तक चल रहा है दो से तीन साल का चल रहा है और प्रपोर्शनेटली अमाउंट रिसीव हो रहा है ठीक है तो उस केस में हमारा जो जनरल रूल है रेवेन्यू रिक्नेशन का लीगल राइट टू रिसीव इस बेसिस पे नहीं दिखाना है ठीक है उसी तरीके से जब गुड्स हायर परचेज में सोल होते हैं तो अमाउंट आपको इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट होती है तो उसी केस में हमें इसे सेपरेटली ट्रीट करना है तो ये जो है हमारा रेवेन्यू रिकग्नेशन कॉन्सेप्ट का क्या हो गया एक्सेप्शन हो गया एक्सेप्शन मतलब जो हमारा नॉर्मल रूल चल रहा था कि लीगल राइट टू रिसीव में हमें दिखाना है अपने बुक्स में एज अ रेवेन्यू बट ये है एक्सेप्शन यानी ये ये रूल फॉलो नहीं करता सो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क

ठीक है द प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इन्वॉल्व डिडक्शन ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस ठीक है फ्रॉम दी रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड यानी उसी पर्टिकुलर पीरियड में जिस पीरियड में आपने कोई मानी प्रॉफिट या लॉस दिखाया है उसके रिलेटेड एक्सपेंस को मैच करके आपको साली में सेम ईयर में आपको उसे शो ऑफ कर देना है The magic concept emphasizes exactly on this aspect and it states that expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue during the period. यानी yani, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपेंस उठा के अपने बुक्स में दिखा दी कोई भी एक्सपेंस आपको नहीं दिखाना है जो आपके बिजनेस की रेवेन्यू से को रिलेटेड है आपको वही एक्सपेंस आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट revenue and expenses incurred to earn these revenue must belong to the same accounting period yani jo aapka revenue hai wo same accounting period se co linked hona chahiye clear as already stated revenue is recognized when sale is complete hame revenue kab recognized kiya jab sale is complete और services रेंडर रेदर देन cash is received। हमने अभी पढ़ा कि भाई ऐसा नहीं है कि हमें पेमेंट मिलेगी हमें तब revenue देखना है हमें रेवेन्यू कैसे करना है एज पर रिकोगशन कॉन्सेप्ट जब सेल कर दी चाहे क्रेडिट में किया हो हमें तब दिखानी है है ना उसी तरीके से एक्सपेंस भी हमें कब रिकोगनाइज है एक्सपेंसिस इज रिकोगगनाइज नॉट वेन कैश इज पेड बट वेन एन एसेट और सर्विस हैज बीन यूज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जिस तरीके से हमने रेवेन्यू रिकोगशन कॉन्सेप्ट में रेवेन्यू को कब दिखाना है लीगल राइट टू रिसीव जब जबराइज होता है तब उसी तरीके से एक्सपेंस को भी ना हमें उसी तरीके से दिखाना है जब हमने एसेट को यूज किया हो या सर्विस प्रोवाइड की हो पेमेंट का वेट नहीं करना है क्लियर है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल रीड कर लेंगे जिस पीरियड से वो रिलेटेड है उसी पीरियड में उन्हें दिखाना है ना कि जिस ईयर में पेमेंट हो रही है

द कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस हमें सारे कॉस्ट को नहीं कंसिडर करना है और परचेज ड्यूरिंग द पीरियड बट कंसिडर ओनली कॉस्ट ऑफ गुड बीन सोल्ड ड्यूरिंग दैट ईयर फॉर दिस पर्प द कॉस्ट ऑफ अनुड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और ठीक है द मैचिंग कॉन्सेप्ट दस इम्प्लाइज दैट ऑल द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग accounting year whether received during that year or not received during that year एंड ऑल कॉस्ट इनकर्ड वाय द पेड ड्यूरिंग द ईयर और नॉट पेड शल बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल असरिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट ईयर यानी जो उस साल का रेवेन्यू है जो उस साल का कॉस्ट है उसको उसी साल में दिखाना है भले आपने पेमेंट करी या पेमेंट नहीं करी या पेमेंट रिसीव की या नहीं की आपको सेम ईयर में से बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है तो ये आपका जो है लास्ट पैराइट तरीके से हम इसे कह सकते हैं ये आपका कॉन्क्लूजन पॉइंट है आपका रिविजन का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ठीक है Once again, please. I hope आपने जो डाउन कर लिया हो बिकॉज देर वॉज समय ठीक है हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट कर लिया अब नेक्स्ट हम देखते हैं फुल डिस्कलोजर कॉन्सेप्ट फुल डिस्कलोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज बाई डिफरेंट ग्रुप ठीक है पीपल सच एज इन्वेस्टर लैंडर इन टेकिंग वि वेरियस फाइनेंशियल डेंट हमने ये ऑलरेडी देखा था कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रोवाइड करती है स्टेटमेंट वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं ठीक है ठीके? तो ये हमारा जो फुल डिस्कलोजर कॉन्सेप्ट है ये बोल रहे भाई सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखा देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक है सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज को इफेक्ट करे उनके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में ठीक है ओके बिटवीन दोज मैनेजिंग द अफेयर ऑफ एंटरप्राइज एंड दोज ओनिंग इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउर बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज इट बिकम ऑल इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट देयर फोर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स अ फुल फेयर एंड एडिकुएट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द इनफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट फॉर टेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन तो ये मेन बात इसने इस बैरा में कि एंड में कन्वे कर दी है ठीक है

इफेक्ट कर रही है उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फुल डिस्कलोजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें शो करनी चाहिए दिस इज टू अनेबल द यूजर टू मेक करेक्ट असेसमेंट अबाउट द profitability एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हेल्प them टू टेक informed डिसीजन तो फुल डिस्क्लोज़र जैसा नाम है पूरी डिस्क्लोज़र करनी है फुल एंड कंप्लीटली डिस्कलोजर होना चाहिए The so, जो नोट्स टू अकाउंट आप बनाएंगे हम आगे और भी नोट्स टू अकाउंट क्या होता है उसे भी समझेंगे ठीक है ये आपको के शो करना है. है, जैसा नाम है भाई, लगातार चलने वाला तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया था कोई भी फॉर्म जो है अपने एक साल का दूसरे साल से या एक क्वार्टर का दूसरे क्वार्टर से कंपेरिजन करती जिसको हम बोलते हैं इंटर इंट्रा पीरियड इंट्रा फॉर्म कम्पेरिजन इंट्राफॉर्म या हम इसको बोल सकते हैं इंटरपीरियड कंपेरिजन ठीक है और क्या करती है इंटरफॉर्म कंपेरिजन एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म से कंपेरिजन ये तभी पॉसिबल है जब बेस बराबर हो है ना तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए कॉन्सेप्ट का ये नहीं कि आज कुछ और कर दिया कल कुछ और कर दिया ऐसा नहीं है आप चेंज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को कंसिस्टेंसी जो है उसे ब्रेक कर सकते हैं बट देर इज मीन्स यूज रिक्वायरमेंट एज पर द स्ट्रेटेटरी लॉ ठीक है अभी ब्रीफली रीड करेंगे मुझे द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल इन ड्राॅइंग कॉन्क्लूजन अब हमने ऑलरेडी समझाया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है डिफरेंट यूजर उसकी मदद से कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं है ना रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज ओनली वैन इट अलाउ द कंपेरिजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज विद इन दर्किंग ऑफ एन अदर एंटरप्राइज द both inter firm and inter period comparison are required to be made and this can be possible only when accounting policies and practices followed by an enterprises are uniform and are consistent over the period of time ठीक है तो सारी बातें एक ही पैरा में इन्होंने वैसे एक्सप्लेन कर दी है कि भाई सेम फॉलो होना चाहिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या हुआ वन सेकेंड लेट मी एग्जैक्टली जम्प एंड नॉट Take a much longer video. Bolta hai? The concept of consistency is followed in preparation of financial statement so that the result of two accounting period are comparable. Consistency eliminate personal bias and help in achieving the result that are comparable. Okay. Also, the comparison between the financial result of two enterprise would be meaningful only if same kind of accounting method and policies are adopted in the preparation of financial statement.

ये कंपेरिजन तभी पॉसिबल है जब कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्मिटी देखी जाए हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज में हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में बट ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस कभी चेंज नहीं हो सकती हैं जरूरत पड़ने पे इसे चेंज भी कर सकते हैं लेकिन जो भी चेंजेस आप अप्लाई करते हैं उसे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है ठीक है सो आई बिलीव आपको ये जो कॉन्सेप्ट है हमने जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ ठीक है आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा कंजर्वेटिव कंजर्व नेचर का है है ना तो कंजर्वेटिव जैसे इसका नाम है इसका एक और नाम है प्रूडेंस ठीक है तो इसको आप माइंड में रखेंगे बिल्कुल सेटल कि भाई कंजर्वेटिव यानी प्रूडेंस है ना यानी ये क्या बोलते हैं भाई कि जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में आइटम्स दिखा है ना उसे सेफ प्ले करना है भाई कल को अनसर्टिनिटी आ जाए बिजनेस इधर उधर होने लगी इसलिए सेफ प्ले करो ठीक है तो ये क्या बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट आपको बुक्स में तभी दिखाना है, है प्रॉफिट तो के लिए इन्होंने बोला कि पहले ही आप प्रॉफिट दिखा लो है ना सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रूडेंस प्रोवाइड अ गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इज बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ

कंपनी के पास कई बार ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना तो वो पैसे बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को आई बिलीव आपको पता हो शेयर्स क्या होते हैं नहीं पता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं ठीक है तो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है आपने बोनस सुना होगा कई बार ना आपको बोनस मिलता है पापा लोग काम करते हैं कहीं आपकी मदर काम करते हैं उनको कंपनी कई बार बोनस देती है दिवाली बोनस ऐसे बोनस तो ये तो फेस्टिविटी के लिए दिया लेकिन कई बार ऐसे कंपनी को बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है ना उन्हें प्रॉफिट हो जाती है तो वो कुछ पैसे अपने लोगों अपने शेयर होल्डर को देती हैं जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं शेयर होल्डर क्या होता है डिविडेंड क्या होता है से अभी और डिटेल में हम कवर अप करेंगे ठीक है विच इज नॉट फेयर एट लीड टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज इन्होंने बोला बस यही समझ के रखो कि भाई जो प्रॉफिट है ना वो जब एक्चुअली में हो रहा हूँ वही दिखाओ ओवर स्टेट प्रोफिट नहीं दिखाओ जो जेन्यून प्रॉफिट है उसी को दिखाना है ठीक है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव रिक्वायडेड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अनटिल रियलाइज्ड

क्योंकि हमें इन्वेंट्रीज को दिखाना है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर वो क्यों करते हैं वो इसीलिए करते हैं भाई कि कंजरवेटिज्म अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट पे ही दिखाना जब प्रॉफिट हो रहा है अदरवाइज अगर लॉस का एहसास है तो बुक्स में दिखा दो तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इन्वेंट्री को हमें कॉस्ट या मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू यानी बहुत ऊपर वाली अच्छी वैल्यू कुछ चल रही है तो हमें जब मार्केट अच्छी वैल्यू दिखाएगा तो हम मार्केट वैल्यू में दिखाएंगे है ना और अगर लोअर है कॉस्ट तो हम कॉस्ट पे पर इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर एज पर दी दंजरवेटिव कॉन्सेप्ट क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट डिस्काउंट ऑन डेटर राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल पेटेंट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये आपके कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो आई बिलीव आज आप इस डॉट को कनेक्ट कर पाए कि भाई हम कंजर्व हैं हम रिजर्व रहेंगे हम प्ले सेफ करेंगे इसीलिए अगर हो सकता है जिसको उधार पे हमने बेचा है वो कल को पेमेंट ना करे इसलिए हमने खुद को लॉस होने का एहसास हो सकता है इसलिए मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया और क्रिएट कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप एंड ये किस कॉन्सेप्ट में आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में आता है या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट में रटना नहीं है इसे कनेक्ट करो इन एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करो कोई डाउट है तो उसे पूछो क्योंकि आज याद कर लोगे आज रट लोगे बट आज के टाइम में आपको ये पता है कोई भी एग्जामिनेशन आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा ट्वेल्थ के स्कोर और टेंथ के स्कोर काउंट नहीं होंगे आपको उसे क्वालिफाई करना है मैरिट लानी है आपको तो ये आपकी नॉलेज अगर स्ट्रांग रही तो इट विल बी सक्सेसफुल फॉर यू दस इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज डाउन द स्टॉक हैज बीन शोन एट कॉस्ट पर्ज इन द बुक्स बट इफ द मार्केट वैल्यू हैज बिन गॉन अप

अगेंस्ट एन अनवॉन्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म हाउ ए व डेलीबरेट अटेम्प्टू बंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एसेट ठीक है शुड बी डिसकरेज एज इट लीड टू दिडन प्रॉफिट कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व डोंट वरी सीक्रेट रिजर्व क्या होता है उससे so, मैं और अच्छे से आपको नेक्स्ट सेशनस में कवर अप करा दूंगी लेकिन इनका कहने की कोशिश यही है कि भाई हमें कम दिखाना है लेकिन इतना भी कम नहीं दिखाना कि हमारी एकदम एसेट की वैल्यू ही खराब हो जाए जो वर्थित वैल्यू है वो भी ना दिखे है ना तो इन्होंने बोला कि अगर हमने ऐसा किया ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया तो एक हिडन प्रॉफिट होता है जो छुपा हुआ प्रॉफिट है वो सीक्रेट रिजर्व के फॉर्म में हम डिस्कलोज करते हैं वो देखने लगेगा ठीक है तो एक बार क्विक रीडिंग करेंगे कोई डाउट होगा तो तो उसे पूछेंगे ठीक है नेक्स्ट हमारा बच रहा है मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी मटेरियलिटी हमने ऑलरेडी एक बार ब्रीफ में डिस्कस किया कि जो चीज मटेरियल है ठीक है ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो मटेरियल है उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट में देखो जो इम है वो हमें नहीं दिखाना है फॉर एग्जाम्पल आपने पेन खरीदी एक टॉफी खरीदी दो टॉफी खरीदी तो ये मटेरियल नहीं हुआ है ना यहीं पे आपने एक एक्सपेंसिव मोबाइल फोन खरीद ली एक लैपटॉप खरीद लिया तो वो आपके लिए मटेरियल हो गया तो हर एक बिजनेस के लिए उनके लिए मटेरियलिटी और उनके लिए इमटेरियलिटी मटेरियलिटी वैरी कर जाता है ना तो क्विकली रीड कर लेते हैं हमने ब्रीफ तो ले लिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल सॉरी ओके

उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं अगर कम एक फैक्ट्री है और उसमें कुछ बुक्स में लिखने के लिए पेन चाहिए तो क्या लगता है आपने पेन खरीदी उसके दस रुपए या पचास रुपए आपने लिखे तो क्या वो उनके यूजर्स को अफेक्ट करेगा डेफिनेटली नॉट दीज आर एक्सपेंस ये खर्चे हैं है ना? सो so, ये एक ब्रीफ एग्जाम्पल है इसे आप रीड कर लेंगे कोई डाउट होगा तो क्लियर डिस्कस कर, कर लेंगे ठीक है इन सर्टीन केसेज दिन इज वेरी स्मॉल स्ट्रिक्ट अडरेंस टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अब कई बार क्या है आपने बहुत ज्यादा ही पेनें खरीद ली ठीक है थी तो वो पचास रुपए की लेकिन आपने दो तीन लाख की पेन खरीद ली तब भी भले ही उसकी वैल्यू कम थी लेकिन क्या हम उसे एसेट मान लेंगे नहीं हम एसेट नहीं मान सकते उसे वो हमारे लिए तब भी एक्सपेंसि होगा ठीक है तो वो रेवेन्यू नेचर का हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा और पी एन एल में डिस्क्लोज हो जाएगा तो उसको एक बार आप रीफलीड करेंगे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें है नहीं तो मैं वीडियो को अननेसेसरी जो है आपके लिए लेंदी नहीं करना चाहती हूँ लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी क्या रखा था कि भाई जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव मैनर में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने हैं बायाज नहीं होना चाहिए इसमें और हमने क्यों इसको दिखा क्योंकि हमें प्रूव दिख गया आपने अगर कोई पेन खरीदी बिल लेकर के आ गया तो ऑब्जेक्टिफाई होना चाहिए यानी वेरीफाई होना चाहिए किसी ना किसी डॉक्यूमेंट से तो आई बिलीव अगर आपने सारे सेशन ध्यान से सुने होंगे तो आपको यहाँ पे रिकॉल होना चाहिए हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में हमने ये बात कही थी जहां पे बुक्स में अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी दिखाते हैं जब आप बिल से मैच कर पाते हो ना क्विक रीडिंग करते हैं The concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from the bias of accountant and other. This can be possible when each of the transaction is supported by verifiable documents or the vouchers. Clear? Right? This example and not to explain much. One of the reasons for the adoption of historical cost is historical concept. The basis of recording accounting transaction is utterance to the principle of objective, is made possible by it. As stated above, the cost of actually paid for an asset can be verified from the document, but it is very difficult to ascertain the market value of the asset until it is actually sold. Not only that, the market value may vary from person to person, from place to place. So objectivity cannot be maintained if such value is adopted for accounting purposes. So how do we understand. हमें डॉक्यूमेंट्स के वाउचर्स के थ्रू इसे प्रूव करना है और ऑब्जेक्टिवली ये वेरीफाई कराना है कि इट इस फ्री फ्रॉम बायस ठीक है सो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है आप इसे रिवाइज करें कोई क्वेरीज है उसे डिस्कस करके क्लियर करें हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज भी टाइम टू टाइम सॉल्व करेंगे और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो उसे पूछ के क्लियर करें मेरा टारगेट था कि मैं इस वीडियो को थर्टी मिनट तक क्रॉस नहीं करने दूँगी सो आई डिड कम्प्लीट दिस सेशन एंड एक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ कंप्लीट सीरीज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर सीरीज़ में आपको दी बेस्ट हेल्प कर सकूँ और कि आपकी क्वरी ना अराइज हो और अगर इफ इट केस अराइज़ हो जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर लें सो so, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नया सीखेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड जॉय हिंद